जब भी बात आती है अपने घर पे कलर चॉइस करने की, तो आप कलर चॉइस करने के लिए चकरा जाते हो। तो इस कैटलॉग में हर एक कलर देखने को मिलेंगे। मैं इस कैटलॉग को कहाँ मिलेगा और कैसे इसको चॉइस करना है, बहुत ही आसानी से मैं इसमें आपको डिटेल दूंगा। इस कैटलॉग के इस वीडियो को देखने के बाद जब भी आपको इस कैटलॉग मिलेगा आपको, तभी आपको परेशान नहीं होगी। जैसे कि वाइट हो या ब्लैक हो या फिर ब्लू या फिर येल्लो या फिर रेड या फिर ग्रीन या फिर पर्पल या फिर अर्थ कलर, ये सारे कलर आपको पहले एक कोई कलर डिसाइड करना होगा। जब भी कलर डिसाइड करेंगे तभी आपको कलर चॉइस करने में अच्छा होगा। इसमें कितने कलर होते हैं और कैसे कैसे चॉइस करना है, सारी डिटेल इस वीडियो में दूंगा। तो देखिए, बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी है। बस इसके अंदर कलर चॉइस करते समय आपको क्या ध्यान देना है, वही ये वीडियो पूरा बताऊंगा। और पूरा वीडियो देखने के बाद आपको बहुत ही आसानी होगी। वैसे मैं एशियन के कैटलॉग के ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 2500 के कलर इसके अंदर मौजूद हैं, एक से एक कलर बढ़िया कलर हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं ऊपर से, बहुत ही आसानी से कलर चॉइस किया जाता है। देखिए, पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में कलर के ब्रांड दिए जाते हैं, जैसे कि ये बर्जर का तो है, तो कैटलॉग तो इसमें बर्जर के क्वालिटी के ही देंगे। तो ये सारे कैटलॉग के ऊपर जो क्वालिटी देती है, इसको क्वालिटी को हटा देते हैं। सबसे पहले आने वाली पत्ती, इसके अंदर सारे पत्तियों में से सिर्फ एक ही पत्ती, एक ही पेपर है, यूँ समझिए कि सिर्फ एक ही कलर है जो स्पेशल में दिया गया है। इस कलर को बस आप एक स्क्रीन पर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो स्क्रीन के लिए ही यूज़ करें। तो नंबर वन पर हम बताएँगे अभी आपको, तो सबसे पहला व्हाइट आता है। जैसे जो लोग व्हाइट लगाना चाहते हैं, व्हाइट ही पेंट, तो सिर्फ उसमें से थोड़ा सा हल्का सा व्हाइट लगे, तो इसके लिए एक स्पेशल ऊपर व्हाइट रखा गया है। इस व्हाइट में हर एक कलर कलर के अलग अलग हैं, जो मोड में आए वो मोड में लगा लें। जैसे कि इसमें आपको एकदम प्लेन यानी एकदम व्हाइट भी दिखने को मिल सकता है। ये व्हाइट ही था। अभी बताते हैं रेड। तो नंबर दो पे है रेड। यहाँ पे जैसे ये कैटलॉग में आप ओपन करेंगे, तो यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में एक पेपर आ जाएगा कि ऊपर में रेड आने वाला है। तो इसमें सारे के सारे रेड के अंदर मिक्स आने वाले कलर मिलेंगे। देख सकते हैं ये रेड ही नहीं है, थोड़ा डार्क भी है, और आते आते स्लो लाइट लाइट और लाइट और लाइट, ज़्यादा लाइट और ज़्यादा लाइट होते चले गए हैं। तो इसमें आपको चॉइस करने के लिए क्या करना होगा, अगर आप रेड पसंद किए हैं तो आपको हॉल के लिए कुछ इस तरह का कलर लेना होगा। अगर आप इस तरह का कलर लेंगे तो आपको दीवार पर लगाने के बाद थोड़ा सा डार्क देखने को मिल सकता है। तो आप इसमें पिंक ही कलर नहीं मिलेगा, थोड़ा थोड़ा चेंज करने के बाद आप आगे थोड़ा बढ़ेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, इसमें 500 से 600 तक कलर हो सकते हैं रेड के अंदर। ऐसे ही मैं इसको हटाते जाऊंगा तो यहाँ पे बहुत सारे ढेर सारे कलर्स हैं, हर एक कलर के नंबर के साथ साथ में और नाम के साथ साथ में मौजूद हैं। बस आपको जब डीलर के पास जाते हैं तो बस इसमें एक नंबर कोई भी आपके घर के लिए कलर चॉइस करें और डीलर को बता दें कि ये हमें नंबर वाला कलर चाहिए, तो आपको 100% यही कलर आप डीलर देगा आपको, क्योंकि उसके पास जो मशीन होती है उस मशीन में मिक्सिंग करना होता है। घर के लिए अच्छा कलर आपको इसी कैटलॉग में ढूंढने को मिल सकता है। साथ ही साथ चलते हैं येलो का। येलो देखिए, वैसे तो ऑरेंज और येलो दोनों मिक्स होकर एक नंबर पे आ जाता है, वो है तीन नंबर पे। हमारा कैटलॉग में आने वाला तीनवा नंबर ऑरेंज नाम से है, वैसे एशियन के अंदर शायद दूसरा होगा, पर यहाँ पे जो ऑरेंज में दिखाया गया है, ये सारे के सारे येलो और ऑरेंज मिक्स होके आते हैं। वैसे इसके अंदर रेड थोड़ा मिक्स होता ही है, बट इसके अंदर ऑरेंज शेड में होने वाले कलर्स हैं। ये जितने भी कलर्स आपको दिखाए जा रहे हैं, ये थोड़े ऑरेंज और येलो के अंदर मिक्सिंग होने वाले हैं। ये 500 से 550 तक यानी कि 600 तक भी हो सकते हैं। ये सारे कलर आपको ईजीली चॉइस करने को मिल जाएंगे, कि आपको फाइनल पहले करना होगा कि आप लेते किस में हैं। जैसे कि मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था, कोई व्हाइट या फिर ब्लैक या तो रेड, इस तरह के कलर कोई एक फाइनल कर लीजिएगा, और करने के बाद इसी के अंदर जब अंदर आएंगे, समझो कि आपको चाहिए कि येलो, तो आपको जाना होगा ऑरेंज के अंदर, और उसके अंदर थोड़ा सा स्ट्रॉल करके आप देख पाएंगे कि ऑरेंज कहाँ पे होता है, कैसा होता है और किस तरह लगने वाला है दीवारों पे। साथ ही साथ नंबर आएगा, उस नंबर को आप चॉइस करके कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी है। और थोड़ा मैं आगे बताऊंगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि और इसमें जानकारी दूंगा मैं कि कौन सा रूम पे लगाना है, कौन सा किचन में लगाना है, ये भी कलर के बारे में आगे बताऊंगा। नंबर चार पे चलते हैं ग्रीन। ग्रीन से ही मैं सारे डिटेल देने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, अब आ गया है ग्रीन। अब पहले हम इसको थोड़ा सा हल्के से एडजस्ट कर लेंगे। पहले नंबर पर मैंने व्हाइट बताया था, और दूसरा मैंने बताया था रेड, और तीसरा ऑरेंज, अभी बताने जा रहा हूँ ग्रीन। ग्रीन के अंदर भी थोड़ा येलो मिक्स हो सकता है। आप सोच रहे होंगे येलो तो येलो होता है, मगर
यहाँ पे कलर मिक्सिंग की बात हो रही है, क्योंकि घर के वॉल के दीवारों के लिए कलर चॉइस किया जा रहा है, तो ग्रीन के अंदर आने वाले ढेर सारे कलर्स होते हैं। वैसे आपको कंप्यूटर या फिर फ़ोन में देखे होंगे कलर के लिए, तो आपको कलर मिक्सिंग के नंबर नज़र नहीं आते। ये सारे कलर बर्जर के हैं, सिर्फ बर्जर के कलर नंबर से कलर बर्जर ही मिलेगा। एशियन का अगर नंबर चाहिए तो ऊपर मैंने आई बटन पे एक वीडियो दिया है, उस पे क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते हैं। मैं उसमें कैटलैग नहीं, एक रूम पे कलर किस तरह से चॉइस करते हैं उस तरह से बताया है। देखिए यहाँ पे तीन कलर मैंने जो चॉइस किया हुआ है, पकड़ के रखा है, ये सारे कलर डार्क हैं, और ये डार्क कलर को आपको बालकनी पे लगाना होगा। अगर आप कोई हॉल पे या फिर रूम पे लगाते हैं तो इस तरह का कुछ लाइट कलर चॉइस करना होगा, क्योंकि लाइट कलर शानदार होते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर आप ग्रीन में चाहते हैं तो अगर आप ग्रीन में ये लगा लें और इसके साथ डार्क कलर अपोजिट के लिए ये भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इससे भी थोड़ा डार्क कलर हो तो ऊपर और नीचे एक एक कलर दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे डार्क कलर और ये डार्क कलर हर एक पत्ती में रखा हुआ है। वहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कलर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन के लिए तो वैसे मैं बहुत सारे वीडियो बना सका हूँ और मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, थोड़ा मैं इंस्टॉल करूँगा, आगे बताऊँगा फटाक से, क्योंकि मुझे बहुत लंबा वीडियो होने वाला है, तो मुझे चाहिए कि थोड़ा थोड़ा जल्दी बताएं, क्योंकि अर्थ कलर इसमें स्पेशल है। वो वीडियो अगर आप आगे स्टॉल करके जाएंगे तो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए, ग्रीन के अंदर ये कलर तो होता ही नहीं है, बस ये दिखने में ब्लू लग रहा है मगर ये ग्रीन ही है। इसमें थोड़ा थोड़ा लाइट कलर और आते आते डार्क कलर मौजूद है। हाल के लिए अगर आप ये कलर चॉइस करेंगे तो यहाँ से डार्क कलर मिलेगा। ये कलर अगर चॉइस करेंगे तो बहुत ही डार्क लगने वाला है। ये बहुत ही छोटे छोटे घरों में लग सकता है, बड़े बंगलों में या फिर बड़े बड़े घर पे लगाने के लिए अच्छा नहीं लगेगा। ऊपर से लेकर नीचे तक आप कलर एक पत्ती में देख सकते हैं, 12 से 13 कलर होंगे। चलिए बढ़ते हैं अब पाँचवें नंबर पर, जो ब्लू है हमारे साथ में, और ब्लू के अंदर कौन कौन से कलर आते हैं ये भी थोड़ा डिटेल में बता देते हैं। पहले इसको हटा देते हैं, यहाँ पे पहला रेड और उसके बाद थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, और ये वाला येलो था और इसको हमने ऑरेंज पत्ती बना के रखा है, और ये बर्जर ने, और वैसे ये एशियन में शायद येलो ही आएगा। ब्लू का हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। शीट कार्ड को पहले इस तरह का आप इंस्टॉल करके अलग अलग कर देंगे तो आपको कलर चॉइस करने में बहुत ही आसानी रहेगी। डीलर के पास ही ये शीट कार्ड देखने को मिल सकता है, पेंटर के पास तो होता ही नहीं है। बहुत ही आसानी से हमने ब्लू को भी हटा लिया है, क्योंकि अभी फटाक से आपको वैलेट कलर दिखाना है, क्योंकि वैलेट कलर तो आप शायद सुने ही नहीं होंगे। और वैसे वैलेट कलर का मतलब है पर्पल कलर। यहाँ देखिए इसमें लिखा भी है वैलेट करके। यहाँ पर ये जो कलर है ये ज़्यादातौर पर फूलों पर नज़र आता कलर है और ये कहीं भी दिखता नहीं है। और रेड की बात करें तो इसके अंदर भी रेड बहुत सारे होते हैं, जैसे कि एप्पल रेड भी होता है, रोज यानी गुलाब रेड भी होता है। वैसे ये वैलेट जो कलर है ये ज़्यादा से ज़्यादा फूलों में नज़र आने वाले कलर हैं, मगर यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये वैलेट कलर के अंदर आपको ग्रे कलर देखने को नज़र आ रहे होंगे। ये ग्रे कलर यानी कि उसके अंदर मिक्सिंग किया हुआ कलर है। अगर आप उसको स्ट्रॉल करके थोड़ा हटाएंगे तो इसके अंदर 100% पर्पल कलर देखने को मिल सकता है। पर्पल कलर के लिए आपको थोड़ा स्ट्रॉल करके आहिस्ता आहिस्ता से स्ट्रॉल करके देखना होगा, तभी चॉइस करना होगा। अभी इसके साथ साथ में सातवें नंबर को आता है अर्थ कलर। ये अर्थ कलर क्या है? अर्थ कलर जैसे कि अभी यहाँ पर लिखा है अर्थ कलर टोन्स, ये इंग्लिश में लिखा है, अगर आप हिंदी में जानना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे बेहतर आसानी तरीका ये है कि कॉफ़ी कलर कहा जाता है इंडिया में। वैसे इसको चॉकलेट कलर भी कहा जाता है, जैसे कि केक पे ज़्यादा कलर यही आते हैं। ये जो मिट्टी कलर होता है, मिट्टी के जैसा दिखने वाला, जो अंदर के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर होता है। और शीट कार्ड में ये आप देख सकते हैं कि सारे ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियाँ इसी की हैं, अलग अलग कलर के बहुत सारे। स्टॉल करते जाऊँगा तो ये ख़त्म नहीं होंगे। मैं इसको बहुत ही जल्दी जल्दी में हटाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कलर हैं। टॉन्स यानी कि अर्थ कलर यानी कि चॉकलेट कलर, यूँ समझिए कि ये कलर सिर्फ बाहर के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि ये धूल मिट्टी के जैसा देखने वाले होते हैं। अगर आप बाहर लगाएंगे ये धूल मिट्टी के अंदर मिक्स भी हो जाए, यानी कि घर के ऊपर दीवार के ऊपर अगर आपको धूल मिट्टी बैठ भी जाए तो आपको नज़र नहीं आएगी, थोड़ा कम लगेगी। इसी के साथ साथ में और बढ़ते हैं आठवें नंबर पर। आठवें नंबर पर है नेचुरल कलर्स। ये नेचुरल कलर बहुत ही अच्छा है और ये शानदार कलर है। ये मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा ईजी में बताऊँगा कि देखिए यहाँ पे कलर्स
क्लासिक नेचुरल लिखा हुआ है, जूम करके मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये कलर्स बड़े बड़े अमीर घरों में लगाया होता है, क्योंकि ये लोग को बहुत पसंद आता है। वैसे हमारे इंडियंस लोगों को शायद ये लाइट कलर इतना पसंद नहीं आएगा, देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ब्लैक और ग्रे और इस तरह का साइलेंट कलर, बहुत ही साइलेंट कलर, इतनी शांति रहेगी घर में देखने के लिए, आप भी ताज्जुब होंगे। अगर छोटे घरों में लगाएंगे तो शायद ये लगा ही नहीं ऐसे लगेगा, क्योंकि जितना बड़ा घर होगा उतना अच्छा अच्छा ये कलर लगने वाला है। जैसे ही हमने इसको नेचुरल कलर को हटा दिया, अभी आते हैं मेन कलर जो स्क्रीन पे वॉल पे, अगर आपको फ्रंट दीवार पे अलग ही कलर का लगाना चाहते हैं, अपोजिट के लिए स्पेशल कलर एक वॉल पे लगाना चाहते हैं, या फिर आप डिज़ाइन किए हैं दीवार पे, तो नए नंबर पे इस सीड कार्ड में दिया गया है। चलिए इसके बारे में बताते हैं। देखिए यहाँ पर हमने पहले निकाला था, वैसे ऊपर की तरफ से पहले स्टार्टिंग में रेड निकाला था, तो रेड का ही सीड कार्ड आना होगा। ये रही पत्ती रेड वाली, और इसी में कलर चॉइस कर सकते हैं। ये वाली है ऑरेंज की, और इसके अंदर जो मिक्स होने वाला था येलो, तो वो भी यहाँ पे मौजूद है। और उसके बाद आया था हमें ग्रीन, यानी कि येलो इसके अंदर मिक्स था और डार्क ग्रीन, वैसे इसके आगे मिला था हमें ब्लू, और उसके साथ साथ अर्थ कलर। ये सारे कलर अभी यहाँ तक ख़त्म हो गए। इसी के साथ साथ में बहुत सारे वीडियो बनाया है, जो बर्जर में टोकन आता है, एशियन में टोकन आता है, नेरोलैक में टोकन आता है, तो उसी के ऊपर बहुत सारे वीडियो जो बनाए हैं, वो वीडियो देखने के लिए मेरे आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और वैसे यहाँ पे जो और भी जो पत्तियाँ दी गई हैं, ये सारे के सारे अगर दूसरी कंपनी का अगर आपने कलर चॉइस करके लाया है तो उसी के लिए मौजूद है।